नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित 2021 पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, गणित का, थर्ड का देने वाले हैं या फोर्थ का देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम सेमेस्टर 2021 में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, इससे फायदा दोस्तों आपको ये होगा ना कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर आसान आ रहा है कठिन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जल्दी जल्दी, और प्रथम सेमेस्टर वाले छात्र मिला लेंगे कि आखिर उनके नंबर कितने आ रहे हैं। 13 सितंबर 2021 का पूरा प्रश्न पत्र हल है। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था, देखिए आपको बता दें। पहले आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या था कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है। तो इसमें दोस्तों बोला गया कि भैया कुछ पैसा है जिसमें से 2 लड़कों को और 2 लड़कियों को बराबर बराबर, मतलब दोस्तों लड़कों को मान लेते कि आधा पैसा मिल रहा है, तो लड़कियों को कितना पैसा मिल रहा है, इनको भी आधा आधा पैसा मिल रहा है, बराबर बराबर भागों में बट गया। तो इसमें दोस्तों ये बोला गया कि एक लड़की का हिस्सा भिन्न रूप में बराबर होगा, तो इसका भी दोस्तों जो एक लड़की का हिस्सा होगा इसका भी आधा ही होगा ना। तो 1/2 का 1/2 आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 × 1/2, तो आ जाएगा हमारा 1/4। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, 1/4। अगर आपने इस विकल्प को टिक किया तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए आप। और आपको बता दें, जो ये पहला प्रश्न था ना, इसको देखकर बहुत बच्चे डर गए होंगे कि यार ये कैसे होगा, आसान प्रश्न है कठिन है। तो पीएनपी वाले थोड़े होशियार थे, पहला ही क्वेश्चन मतलब ऐसा बना दिया जिससे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन था कि संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान क्या लिखा है। दोस्तों जरा देखिए, 31.0435 हमें स्थानीय मान बता रहा था 5 का। हमने दोस्तों बोला था भैया जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके नीचे डंडी खींच दीजिए। 5 का है, देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, नहीं तो सिंपल था दोस्तों 5 के स्थानीय मान 5 हो जाता अगर दशमलव ना होता तब। लेकिन दशमलव लगा है तो मतलब 5/कितना 0 लिखा है, 1, 2, 3, 4, 1 लिख के उतना बार 0 लिख दीजिए। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/10,000 सही आंसर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर विकल्प नंबर 2। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था क्योंकि और विकल्प में देखिए बटे में कुछ नहीं था, तो इसको आप देखकर आसानी से कर सकते थे। लेकिन देखिए ये वाला तीसरा विकल्प, ये भी थोड़ा करीबी मामला था, अच्छा मतलब विकल्प दिया गया था, पीएनपी वाले भी होशियारी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संख्या 5 का अपवर्त्य होगा। देखिए 5 का अपवर्त्य क्या होगा, 5, 10 आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर 1, 6, 3, 5 है, तो सिंपल था हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा विकल्प 5 हो जाएगा। तो ये मतलब मान के चलिए कि हमारा दूसरा प्रश्न आसान था, तीसरा भी आसान था। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंकों दोस्तों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो मतलब दोस्तों कौन कौन से अंक हमें दिए गए, 1 दिया गया है, 0, 9 और 5। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे 9। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी संख्या होगी 5, फिर 1 और 0, 9, 5, 1, 0, मतलब हमारा दोस्तों विकल्प नंबर 2। ठीक है, इसी को हम टिक कर लेंगे, यहाँ पर 1 नंबर और हमें मिल जाएगा। तो आसान प्रश्न था ये भी ना, तो 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे बहुविकल्पी के। चौथा क्वेश्चन, पदों में दोस्तों x² y (xy²) - x² y² और -x² y में सजातीय पद होंगे। सजातीय पद, जी हाँ दोस्तों सजातीय पद क्या होते हैं इसको भी आपको समझना चाहिए। जैसे दोस्तों लिखा होगा कि 5x 5x, ठीक है 5x और 6x लिखा तो सजातीय हो गया ना, अगर 5x लिखा 6y लिखा तो विजातीय हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, तो जरा इसमें यहां पर देखें, यहां पर हमसे पूछा गया सजातीय पद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प जरा देखिएगा आप लोग, सीधे विकल्प में आइएगा, विकल्प में क्या क्या मैच कर रहा जरा देखिए। यहाँ पर लिखा है x² y और xy² दोनों अलग अलग हो गया। दूसरा विकल्प देखिए x² y और -x² y, माइनस को छोड़ दीजिए, तो x² y और x² y लिखा है, तो दोस्तों यही हमारे सजाती पद हो जाएंगे। ठीक है, बस यही आपको बताना था, मतलब ये समझ लीजिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा 5x और 6x, तो ये आपको सजाती दिख रहा है। अगर कहीं पर ये लिखा है 5x और 6y, तो ये सजाती है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए बिल्कुल x² y लिखा है और -x² y। ठीक है, बाकी पहला विकल्प और तीसरे में देखिए जरा, x² y है और xy², तो ये तो नहीं होगा, और यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा ही था। ठीक है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो मतलब पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी जो बच्चे द्वितीय सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं तृतीय का चतुर्थ का, वो भी देखते रहे क्या वो इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आपकी गणित अच्छी है ना,
तो आपका जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और पहला सवाल था, मुश्किल से 5 मिनट में दोस्तों आप पांचों क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मुश्किल से बता रहे, उससे भी कम समय में आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट लगते हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन हो गए, और जिन बच्चों के 5 में से 5 नंबर आ रहे हैं वो अपने नंबर मिलाते चलेंगे। अब छठा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। संख्या दोस्तों कौन कौन सी दी गई है? 1, 2 और 5 से बनने वाली सभी संख्याएं, ठीक है, जबकि हमें क्या होनी चाहिए भैया, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। 1, 2, 5 से कौन कौन सी बन सकती है? पहले आप 125 बना लेंगे, 1, 2, 5 हो गया, फिर 1, 5, 2 हो जाएगा, ठीक है, एक संख्या ये बन गई। उसके बाद दोस्तों पहले 2, 1, 5 बना लेना, 2 से बनाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे तो 215 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 251, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 से स्टार्टिंग करेंगे तो 5, 1, 2 हो जाएगा, और 5, 2, 1, ठीक है। टोटल दोस्तों हमारी कितनी संख्या बन रही है? 6 संख्या बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया गाइस, ये भी आसान क्वेश्चन था, देखिए थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, नहीं तो प्रश्न आसान था ये। तो हो रहे हैं, पहले 6 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं, अब जरा हम लोग 7वें प्रश्न में आते हैं, ठीक है। पेपर काफी आसान था गाइस वैसे। यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहले दोस्तों ये दिया गया था, फिर उसके बाद बोला गया कि यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दें, चौड़ाई 2 गुनी कर दें, तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गणना द्वारा आपको स्पष्ट करना था, ठीक है। आयत का परिमाप पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको आयत वायत बना के दिखाया जाएगा इस, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक आयत ऐसे बना लेते हैं और दूसरा आयत भी बना लिया जाए ना। चलिए पहले इसमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। आयत की दोस्तों लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई थी, देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई थी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया दोस्तों, पहले चलिए ये निकल गया तो इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं सीधे से, तब जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं, तो क्वेश्चन आसान था। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। देखिए दोस्तों हमने ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे बताए थे, गलती की तो कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। 2 लंबाई की जगह 10 हो जाएगा, चौड़ाई की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा 10, 5, 15, तो 2 गुणे 15, 15 दूनी दोस्तों होता है हमारा 30 सेंटीमीटर, यह आयत का परिमाप आ गया पहले वाला। उसके बाद दोस्तों बोला गया कि यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दें, मतलब जो ये लंबाई 10, 30 को हम क्या कर देंगे, इसको अगर हम 5 कर दें और ये दोस्तों देखिए चौड़ाई को 2 गुना कर दें, 5 के 10 कर दें तो क्या होगा? तो बस सिंपल सा फार्मूला हम रख लेंगे, 2 लंबाई की जगह दोस्तों आधी कर दें तो लंबाई जो पहले 10 थी वो 5 हो जाएगी, चौड़ाई जो 5 थी वो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको निकालिए, 2, 5, 10, 15 हो जाएगा, 15 गुणे 2 ये भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि भैया गणना द्वारा स्पष्ट करना था कि परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोल देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब आयत का परिमाप जो रहेगा वो समान रहने वाला है। तो गणना भी दोस्तों आपको करनी थी, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया दोनों कंडीशन में ये समान रहेगा, अगर ये आप इतना सोल्यूशन नहीं करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपको आधा नंबर देगा, स्टेप मार्किंग है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न था कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाना है। सबसे पहले दोस्तों आप एक सीधी लाइन ऐसे खींच लिए होंगे अपने स्केल से, और एक दोस्तों गोला प्रकार लेके कैसा आपने चाप काटा होगा। पहला दोस्तों जो यहाँ चाप काटेंगे ये 60 अंश का ऐसे कोण बनता है, ठीक है। तो फिर यहाँ चाप काटने के बाद आप क्या करे होंगे, गोला प्रकार की एक नोक यहाँ रख के एक ऐसा काटे होंगे, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा गोला प्रकार की नोक रख के ऐसे काटेंगे, तो ये जो दोस्तों हमारा कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? ये 30 अंश का बनेगा। बाकी ये वाला जो बनता है सीधे वाला वो 60 अंश का बनता है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों बन गया, यहाँ पर नामकरण कर सकते हैं आप लोग, ओ ए बी जो भी शो करना चाहे, ठीक है। तो बस ये बनाना था, बाकी इसका कोई परिमेय लिखना नहीं था कि कैसे आपने बनाया, खाली कोड बना दीजिए। अगला क्वेश्चन था कि 100 का 3/4, ठीक है। तो का मतलब होता है गुणा, तो मतलब लिखा था 100 का ना, का की जगह गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 3/4 प्लस का 920 का 30%, मतलब 920 का 30% गुणे 30% कर दीजिए, ठीक है। तो ये भाग कर दीजिए जरा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 गुणे 3 ये हो जाएगा 75 प्लस का दोस्त ये हो जाएगा। आगे लिखा है 920 का 30%, 30 जब परसेंटेज का चिन्ह 200 हटता तो नीचे 100 से भाग हो जाता है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 75 हो जाएगा प्लस का दोस्तों 92 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 3 9 27, जोड़ लीजिए 6 5 11, 7 7 14, 1 15, ये हो जाएगा 3, तो आंसर दोस्तों हमारा आ जाएगा 351, ठीक है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग बताते भी चलिएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों हो गया, देखिए सभी बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, ये पेपर गाइस आसान था अभी तक। देखिए अभी तक ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया कि जो बहुत कठिन हो। पहले 9 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो चुके हैं, अब 10वां क्वेश्चन क्या था जरा देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए।
देखिए, अनुवर्ती संख्या लिखिए और प्राकृतिक। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ जोड़ दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पहले चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। अनुवर्ती का मतलब होता है उसके बाद की संख्या, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10,000, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर पूर्ववर्ती पूछता तो इसमें एक घटा देते, ठीक है, लेकिन अनुवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब एक जोड़ देना होता है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था, मतलब होता है ना, 5 सेकंड में इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है? तो गाइस एल का मतलब होता है 50, ठीक है, बस ये हो गया हमारा छोटा सा आंसर। तो रोमन संख्या के बारे में हमने तो आपको भैया बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ाया था, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों आप जिसको देखते ही समझ गए होंगे। देखिए, 7वां क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया, कोड बनाना तो भैया आप लोग बचपन से सीख रखे हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत बार बताया, 10वां क्वेश्चन तो लाइन लगी थी बताने की, 11वां भी। तो गाइस एक भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर नहीं मिल रहा जो कि बिना पढ़े हुए आपसे पूछ लिया गया हो, ठीक है। तो पहले दोस्तों हमारे 11 प्रश्न हो चुके हैं, काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनके 11 में 11 बन रहे होंगे। अब चलिए 12वां क्वेश्चन अच्छा आ गया, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, प्रति प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या दोस्तों निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष दोस्तों लिखा है और शिक्षार्थियों की संख्या, आंकड़ों को आपको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना था, जबकि दोस्त ये देख रहे हैं ये वाला साइन आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ए ये वाला बराबर 100 शिक्षार्थी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो भैया आपके तो भैया बल्ले बल्ले, ठीक है, कुछ नहीं करना था। देखिए जरा, एक तरफ आप लोग लिख लेंगे वर्ष और आप तो एक तरफ लिख लेंगे शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गाइस अच्छी नहीं है हमारी, बाकी आप लोगों की तो बहुत अच्छी राइटिंग है, ठीक है। पेपर में आप अच्छी राइटिंग बनाएंगे तो आपको बढ़िया वाला नंबर मिलेगा, ठीक है, ऐसे दोस्तों वर्ष कर लेंगे, ठीक है। वर्ष हमें क्या क्या दिया गया, देखिए 2002, 4, 6, 8, पहले वर्ष लिख लीजिए आप लोग, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वर्ष। अब हमें शिक्षार्थियों की संख्या बताना था, लेकिन देख जरा इस सिंबल को एक बार देख लीजिएगा, भूलिएगा मत, ये दोस्तों देख रहे हैं सिंबल क्या लेवन है, इसके बराबर 100 शिक्षार्थी है। पहले दोस्तों शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी, तो 400 में देखिए क्या करना है, हमें 100 से भाग कर देना, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों हमारा जो यहाँ पर पहला सिंबल बनेगा 4 ठू बनेगा वैसा, ठीक है, 1 2 3, एक एक करके बनाते चले ना तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो कैसे दोस्तों सिंबल बना था, ऐसे बना था ना, 4 बार बनाएंगे हम लोग। तो वैसे जैसे उसमें 200 दिया जाता है क्वेश्चन में, वैसे ही आप लोग सिंबल बनाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना था, क्योंकि इसमें पहले से दिया गया था, ना दिया गया होता तो हम अपने मन से बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 200, इसके बाद दिया गया 500, इसमें किससे, देखिए सभी में 100 से भाग करना है, 500 में 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 700 में 100 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 600 में 100 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 800 में 100 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा। जितने भी दोस्तों आएगा उतना ही सिंबल आपको बनाना है। दूसरी बार दोस्तों हमारा 5 है तो भैया 5 सिंबल बना लेंगे, ठीक है, जल्दी से बनाइए। तो ये हो गया 3 बार, हो गया 4 बार, 5 बार, ठीक है। 2004 में दोस्तों कितना था हमारा, 700 था, तो यहाँ पर हम 7 बार सिंबल बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा होगा आपको करने में, ये सब दोस्तों थोड़ा होता है ना तिकड़मबाजी वाला। 3 हो गया 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद 2006 में दोस्तों कितना था, 600 था, तो मतलब 6 बार सिंबल बनेगा, ठीक है, 100 से हमने भाग कर लिया था, मतलब ऐसे समझिएगा, ऐसे अपने मन से नहीं बना रहे छेटों की, कहाँ से छेटो बना ले रहे, 3 3 6। अब 2008 में दोस्तों हमारा 800 था, तो मतलब 8 फुट सिंबल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोस्तों हो गया हमारा, ठीक है। तो 2000 से लेके 2008 तक, तो ऐसे दोस्तों हमें करना था, बस ये पिक्टोग्राफ हमारा बन गया है, इतना अगर आपने कर लिया होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप कह रहे होंगे अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, काफी बच्चे छोड़कर भी आ गए होंगे, 2 नंबर दोस्तों ये फ्री का था एक तरह से, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन आता है कि सीमेंट की एक बोरी की कीमत दोस्तों 300 रुपए से बढ़कर 375 हो जाती है, ठीक है ना, तो बताना था कि कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत वृद्धि, तो पहले आप क्या करना था, इसमें से 375 में से आप लोग 300 घटा लीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, घटाने पर 75 रुपये आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया होगा आपका। तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी, तो ऐसे लिख लीजिए प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि जब निकालेंगे तो 75/300,
गुड़े में हो जाएगा हमारा 100। ऐसे दोस्तों में करना था, ज्यादा देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन होता है ना कि अगर आपकी तैयारी कम होगी तो फिर आपसे नहीं लग पाया होगा। तो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गया, 3 से भाग करिए, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। तो गाइस हमारा आंसर आ जाएगा 25%, क्योंकि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब पहले 13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन गाइस नहीं दिखा पेपर में कि जो हमने आपको पढ़ाया ना हो। प्रथम सेमेस्टर की तो भैया पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारी तरह की वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, तो गाइस मजा आई होगी पेपर में। इस बार पेपर देखिए गाइस आसान भी था, एक और आपको बता दें, पेपर उतना अभी तक कठिन नहीं लग रहा होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी तो बात अलग है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर, इसको आपको सरल करना था। चलिए देखते हैं, इसमें काफी बच्चे गलती कर जाते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन आपसे छोटा सा प्लस माइनस का चिन्ह इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको अच्छे से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए 4 माइनस मझला ब्रैकेट है ना, ठीक है, 4 माइनस अंदर क्या लिखा दोस्तों, 0.4, इसको 0.4 करिए। ठीक है, माइनस का दोस्तों 0.04, माइनस का 0.004, ठीक है, फिर मझला ब्रैकेट बंद, प्लस का 2 माइनस 0.9। ठीक है, इसको हमें क्या करना था, सरल करना था। तो चलिए दोस्तों सरल करते हैं। पहले ये लिखा था 4 माइनस, ठीक है, मझला ब्रैकेट में 0.4 है, माइनस का पहले दोस्तों ये हमारा सॉल्व होगा ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसको भाग कैसे मतलब घटाएंगे, लिखा था 0.04, घटाना क्या 0.004, ये घटाना है, इसको घटा के देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 200 मान लीजिए, हाथ लग गया 210 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 0, ये 0.036, तो ये 200 घटाने पर आ जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.036। ठीक है, बाकी ब्रैकेट ये सब बंद किया जाए, और 2 में से 2 से 0.9 घटा लेंगे, 2 में से क्या घटाना है, 0.9, तो यहाँ 1 हाथ से चला जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 1 बचेगा तो 1.1 आ जाएगा, प्लस का 1.1। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं था। ठीक है, जिन बच्चों के भैया जोड़ घटाना काफी तेज होगा वही बच्चे इसको कर पाए होंगे। तो अगले लाइन में चलिए लिखते हैं, 4 माइनस का इस बार क्या दोस्तों हमें घटाना था, 0.4 में से, ठीक है, क्या घटाना है इसको जरा देखते हैं, 0.036 इसको घटाना है। यहाँ कुछ नहीं, तो इसको 2 जीरो मान लेते हैं, यहाँ हासिल जाएगा 10, 10 में से 6 गया दोस्तों, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 0.0, 0.3, ठीक है, 6, 4, ये हो जाएगा हमारा। तो आपको दोस्तों बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। ये हमने घटा लिया तो हमारा कितना आ गया अंदर ब्रैकेट के, 0., ठीक है, 3, 6, 4 मझला ब्रैकेट था, इसको मझला बना लीजिए, प्लस का 1.1, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको जरा जोड़ लीजिए। बॉड मास रूल क्या बोलता है, BODMAS, ठीक है, पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं, 4 और 1.1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.1, इतना तो आसान से जोड़ सकते हैं, माइनस का 0.364, इसको घटा लेंगे दोस्तों, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा, 5.1 में से घटाइए। ठीक है, 0.1 के नीचे 3, 6, 4 कर देंगे, यहाँ 0, 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर घटाना है, ठीक है, 0 है दोनों, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 200 क्या हो जाएगा, हासिल यहाँ से जा चुका है ना, फिर यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 200 3 गया 7 बचेगा, ठीक है, फिर 10 में यहाँ आ जाएगा 4, तो 200 घटाने पर हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा 4.736। ये क्वेश्चन था गाइस, तो काफी ज्यादा उठपटांग क्वेश्चन था, भले ही 2 नंबर का था, देखने में आसान था लेकिन करने में काफी मुश्किल आई होंगी बच्चों को। ठीक है, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, अगर आपका एक अंक भी इधर उधर हो जाता तो आपका नंबर सीधे 0 हो जाएगा। स्टेप मार्किंग जरूर है लेकिन आंसर निकालने में फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब समय की काफी ज्यादा बर्बादी भी होती है, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, कि एक वर्ग का परिमाप हमें दिया गया 225 सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग बना लेते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको ये बात पता होगी ना, मतलब मान लेते हैं ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो वर्ग का परिमाप हमें दोस्तों दिया गया 225 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a बराबर 225 दिया गया है, तो
यहाँ से दोस्तों हमारा एक मान आ जाएगा 225/4, है ना। तो इसको जरा निकाल लेते हम लोग। ए बराबर हो जाएगा, भाग करिए 4 5 20, 2 5, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, ये दोस्तों आ जाएगा सेंटीमीटर में। मतलब हमें वर्ग की एक भुजा पता चल चुकी है, ठीक है। वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करना था, इतना कर लिया हमने, एक नंबर हमारा बन गया। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, मतलब दोस्तों ये जो भुजा निकली इसको दो और घटा ले, मतलब 56.25 में से हम दो घटा लेते हैं, ठीक है ना। दो माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा, घटाइए 6 में से 2 गया 4 5, 54.25 आ गया। तो हमारी जो फाइनल वर्ग की भुजा है 54.25 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों क्या बोला गया है आगे, तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। वर्ग का परिमाप फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बताया था, जैसे भी यहाँ पर 4a होता है, ये दोस्तों हमारी भुजा आ गई है तो 4a, ठीक है। एक जगह हम क्या रख देंगे, 4 गुणे 54.25, बस गुणा कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं, 4 5 20 का 0, 4 2 8, 2 10, ठीक है, 4 4 16, 1 17, 4 5 20, 1 21, दो अंक पर दशमलव लगा है तो यहाँ पर लगा लेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये सेंटीमीटर में रहेगा ना। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं 217 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए गाइस आसान था, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया था, कुछ बच्चों से गलती हो सकती है, लेकिन बहुत से बच्चे जिनकी प्रैक्टिस रही होगी गणित में, वो डेफिनेटली ऐसे प्रश्नों को सही करके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको काफी बताया भी है। अब 16वां क्वेश्चन था कि व्यंजकों को दोस्तों x+2y दिया गया है और 2x+y के योग में, मतलब पहले ये है प्लस, दोस्तों में क्या जोड़ना था, 2x+y के योग में इतना घटाना था। पहले इसको जोड़ लेते हैं, x यहाँ है, यहाँ 2x, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3x, 2y है प्लस y, यहाँ पर हो जाएगा 3y, इतना दोस्तों योग हो गया हमारा। इसमें से दोस्तों में घटाना था माइनस का 3x+y, तो ये दोस्तों हमारा था 3x+3y, ठीक है। माइनस का 2 से 3 का गुणा अंदर हो जाएगा तो 3x-3y। तो अब जरा देख लीजिए, 3x से 3x कट गया, 3y से 3y कट गया, बचेगा कितना आंसर, 0। यहाँ पर ही दोस्तों जब लिखेंगे ना इसी स्टेप में, आप यहाँ लिख लीजिएगा -3x+y, तब सही रहेगा, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा यार कि कहाँ से आए। बाकी आप सही होंगे तब भी एग्जामिनर कभी कभी गलत कर देता है, तो पहले लाइन से ही लिख के चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आपने ऐसा किया, इसका आंसर 0 निकाला, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था अभी तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैटर, इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों पहले 16 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, देख रहे होंगे आप लोग पेपर, पेपर ना तो बहुत ज्यादा कठिन है, ना तो अभी तक बहुत ज्यादा आसान था, समझ के करना था। और देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था 17 नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन से एक चीज फायदा हो गया ना, कि कुछ थ्योरी क्वेश्चन आ गया था, जिन बच्चों की भैया गणित कमजोर होगी वो फायदा उठाकर गए होंगे इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन था रेखा रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, पहला रेखा आ गया, ठीक है। रेखा किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों इसके दोनों छोरों की लंबाई अनंत होती है, याद रखिएगा, जो रेखा होती है दोस्तों इसके दोनों छोरों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अनंत। यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ बिंदु ए है या बी, दोनों छोरों की लंबाई अनंत होती है, और इसको दोस्तों प्रदर्शित करते कहते करते ए बी जैसे मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है रेखाखंड की, रेखा हो गया हमारा रेखाखंड। अब देखिए रेखाखंड क्या होता है, यह रेखा एक निश्चित भाग होता है, क्या होता है दोस्तों, मतलब जो ये रेखा होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होती है दोस्तों, एक निश्चित भाग होती है रेखाखंड, ठीक है। रेखा में क्या होती है दोस्तों, इसमें दोनों छोरों की लंबाई अनंत होती है रेखा में, ठीक है, दोनों छोरों की लंबाई अनंत, लेकिन रेखाखंड में क्या होता है कि यह रेखा एक निश्चित भाग होता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं सी और डी की लंबाई ऐसे हो गई, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तो बिंदु सी थी, यहाँ तो डी, तो इसको जैसे आपने ऐसे देखा होगा ना, लिखा रहता है सी डी के ऊपर ऐसे करके। अब दोस्तों बात आती है किरण की, अब किरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। किरण को एक दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, जो किरण होता है ना, जैसे ओ से दोस्तों इसको हम ए की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, बिंदु ए, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये दोस्तों हमारी हो जाएगी ओ ए, एक तरफ एरो लगेगा, याद रखिएगा दोस्तों, जो किरण होता है उसमें एक तरफ, एक ही तरफ, मतलब क्या कर सकते हैं, एक दिशा में इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और जो रेखा होती है इसके दोनों छोरों की लंबाई अनंत होती है, ठीक है। ये दोस्तों था सिंपल था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिख के आए होंगे तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में नंबर जरूर मिलते हैं, थ्योरी क्वेश्चन था, ठीक है, नंबर टीचर को काटने नहीं चाहिए वैसे। तो गाइस इस बार थोड़ा ये वाला जो क्वेश्चन था इससे बच्चों को फायदा मिला होगा, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन क्या रहा, कि किसी गाँव में पुरुषों की संख्या दोस्तों 6xy+5y2-8z है, महिलाओं की संख्या दोस्तों ये दी गई है, तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, और यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड का मान भी दिया गया है।
तो कैसे दोस्तों करना है, पुरुषों की संख्या में से दोस्तों अगर हम महिलाओं की संख्या घटा ले तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। पुरुषों की संख्या दोस्तों यहाँ पर दी गई 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z। इसमें से हमें घटाना क्या है दोस्तों, 2x प्लस का xy माइनस का 2y². इसको घटा के देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6xy प्लस 5y² माइनस का 8z। ये दोस्तों माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का xy प्लस का 2y². घटा लीजिए दोस्तों 6xy से, यहाँ पर घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 5xy आ जाएगा। ठीक है, 5y² में से 2y² जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये 7y² हो जाएगा। माइनस का दोस्तों हमारा 8z है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या दिया गया, माइनस का 2x। ठीक है, बाकी सब कुछ हो गया। और अब देखिए दोस्तों हमें x और y का मान यहाँ पर दिया गया है। x का मान दिया गया 1, y का मान दिया गया 2, z का मान दिया गया 3। तो हम ये x की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, y की जगह 2, मतलब 5 गुणे में 1 हो जाएगा गुणे में 2 हो जाएगा, प्लस का 7y² मतलब 7 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8z मतलब 8 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस का 2x 2 गुणे 1 हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे 1 गुणे 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का 7 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और गुणे 7, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, माइनस का 8 त्रिक 24 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 28 जोड़ लेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 38, 24 और 2 जोड़ लेंगे माइनस का 26, 38 में से 26 गया दोस्तों कितना बचेगा 12। ठीक है, ये दोस्तों हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, बाकी आप लोग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं तो देखिए जब तक आप गणित में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप गणित में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।